Bleach is a messed up anime, yet you should watch it. This is a video in which I am going to tell you कि Bleach कितना हगा हुआ anime है, फिर भी तुम्हें इस anime को क्यों देखना चाहिए. This is kind of a review of Bleach, spoilers free review actually, and मैं ना ही ज़बरदस्ती का बुराई करने वाला है और ना ही ज़बरदस्ती का sugar coating करने वाला है. एकदम honestly मैं Bleach के बेकार और अच्छी चीज़ें बताने वाला है. अब जैसा मैंने बोला कि ब्लीच एक मेस्ड अप एनिमे है, लेट्स टॉक अबाउट द बैड थिंग्स अबाउट ब्लीच. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट बुरा नहीं है बट कुछ खास भी नहीं है. ट्विस्ट डेफिनेटली तुम्हें बहुत अच्छे देखने मिल जाएंगे बट ओवरऑल प्लॉट इज मैह. द स्टोरी इज अबाउट इचिगो जिसके सामने एक दिन रुकिया नाम की लड़की प्रकट हो जाती है जो कि एक शिनिगामी और एक सोल रीपर होती है. एंड ये लड़की फिर फॉर सम रीज़न अपने पावर्स इचिगो को दे देती है जिससे इचिगो एक टेम्पररी शिनिगामी बन जाता है. ब्लीच इज नॉट एट ऑल अ प्लॉट और अ स्टोरी ड्रिवन एनिमे. इसके अलावा बहुत बार ब्लीच में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब ब्लीच इतनी ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है. भाई मैंने इसलिए इसको 24 एपिसोड्स पे ड्रॉप कर दिया था और बाद में जब वापस इसको देख रहा था तब भी भाई बहुत बार मेरा इसको ड्रॉप करने का मन कर रहा था. एक और जो चीज़ बेकार है ब्लीच का एंड शायद से सबसे बेकार चीज़ है ब्लीच का, फिलर एपिसोड्स. 40-45% फिलर एपिसोड्स है भाई इसके एंड ये एपिसोड्स अच्छे भी नहीं है. अब मेरे लिए ये अच्छा भी था क्योंकि फिलर स्किप करके भाई 200 एपिसोड्स के करीबी एपिसोड्स है इसमें, बट बार बार फिलर लिस्ट ओपन करके फिलर को अवॉइड करना वॉज अ बिट अनोइंग. स्टिल बिंज वॉच करने वालों के लिए ये अच्छी चीज़ है सिंस स्पेसिंग फक्ड अप नहीं होती इसकी इतनी ज़्यादा इस रीज़न से. एक्चुअली सबसे बेकार चीज़ ब्लीच का है उसका लास्ट आर्क, एकदम टट्टी बर्बाद एंडिंग ब्लीच का एकदम फक्ड अप है. अभी मैंने तुम्हें जितना भी चीज़ बताया ना, ये ऐसी चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है एंड इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता. फिर भी आई से कि ब्लीच में तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये एक फुल ऑफ फ्लॉज एनिमे होने के बाद भी तुम्हें पसंद आएगी. फर्स्ट कैरेक्टर्स, सेकेंड OSTs एंड थर्ड एक्शन. लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर्स. बहुत बेहतरीन ब्लीच के कैरेक्टर्स इतने बैड ऐस है एंड हर कैरेक्टर का यूनिक पावर है जो खुद में भी काफ़ी बैड ऐस है. फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर रहता है जो अपने स्पेशल पावर को यूज़ करके अपने पीछे बर्फ का पंख सा ला देता है. शिकाई बंकाई हर कैरेक्टर्स कितने मस्त है ब्लीच में. एंड बात करें OSTs की तो नरूटो गिंतामा के बाद मेरे हिसाब से ब्लीच के OSTs ही बेस्ट है. भाई क्या परफेक्ट OSTs है एंड एक्शन भाई माइंड ब्लोइंग. भाई डब्बे रिजोल्यूशन में भी इसका एक्शन तुम्हें बहुत मस्त लगेगा. ब्लीच इज एक्चुअली इन अ वे एन एक्शन ड्रिवन एनिमे. एनिमेशन अभी जो है वो तो नेक्स्ट लेवल है बट पहले का इतना खास भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है. पता है जो लास्ट आर्क है ना ब्लीच का वो इतना बेकार है, बहुत बहुत गंदा आर्क है, सही बता रहा, एकदम वर्स्ट आर्क, लेकिन फिर भी तुम उसे इंजॉय करोगे. पता है क्यों? क्योंकि वो आर्क में सिर्फ एक चीज़ अच्छा है, एक्शन. कुछ भी होते हुए दिखा है बट एक्शन एकदम टॉप नॉच है. मतलब भाई खून खराबा एंड मैं बता रहा, ब्लीच इज़ वन ऑफ द रेयर शोनन एनिमे जिसमें गोर प्रॉपर वे में दिखाया जाता है. भाई छाती में छेद दिखा रहे कैक्टस को लिटरली फटते हुए दिखाया है कूबो ने, लिटरली फटते हुए भाई, बूम से फटता है भाई एक बंदा. पूरा आर्क लेटरिन है लेकिन एक्शन की वजह से तुम भी फिर भी इस आर्क को एंजॉय करोगे. एंड अभी ये सेम आर्क ही एनिमेट हो रहा है क्रेजी एनिमेशन और OSTs के साथ, तो ये आर्क के एक्शन को तुम कभी भूल नहीं पाओगे, इतना अच्छा होने वाला है. मुझे वैसे इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत सही लगता है. एक और रीज़न है कि क्यों तुम्हें ब्लीच अच्छा रहेगा, इचिगो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मेन प्रोटैगनिस्ट है मेरे लिए. लास्ट तक उसको कूबो ने रून नहीं किया भाई, आई वॉज हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट. ऑल्दो कुछ कैरेक्टर्स है जो फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छे हैं बट सेकेंड हाफ में थोड़े हगा गए, बट ओवरऑल कैरेक्टर्स तुम्हें याद रहेंगे, इतने एपिक है. अच्छी बातें बुरी बातें हो गई एंड मेरे अभी तक के रिव्यू को देख के तुम समझ ही गए होगे कि मैं इस एनिमे को ऑब्वियसली रिकमेंड करता है, लेकिन देर आर सम थिंग्स जो कि जानना ज़रूरी है तुम्हारे लिए. अगर तुम्हें स्टोरी ड्रिवन एनिमे पसंद है तो ये एनिमे तुम्हें हद टाइम पास लगने वाला है. एक्शन बहुत अच्छा लगेगा भाई, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ओवरऑल फिर भी तुमको टाइम पास ही लगेगा. तुम बोलोगे यार इतना भी नहीं था, लाइक एक्शन देखना होता तो कोई और देख लेता, ऐसा तुम बोल सकते हो. अगर एक्शन ड्रिवन एनिमे पसंद है तो भाई ये तुम्हारा फेवरेट भी बन सकता है. अगर लॉन्ग रनिंग एनिमे देखना पसंद नहीं है तो इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि जो 200 एपिसोड्स है वो पूरा अच्छा नहीं है, बीच बीच में हद बर्बाद भी है ये. लेकिन अगर तुम एक कमाल का एक्शन देखना चाहते हो एंड बैडेस्ट कैरेक्टर्स की टोली देखना चाहते हो
यू मस्ट वॉच दिस एनिमे।